Hello my beautiful people, Shri this side and welcome back to another special video. ये special इसलिए है क्योंकि मैं अपनी friend की engagement makeup कर रही हूँ. This is my friend Meena. She is so special, she is so pretty and she is everything. She is so simple and she is so good. ठीक है तो उसने मुझे खुद ही कहा था कि मेरा वीडियो बना लेना, तो मैं बना रही हूँ वीडियो. बट लाइटनिंग थोड़ी सी पोर है क्योंकि रूम लाइटनिंग के हिसाब से मैं कर रही थी, मैं अपना रिंग लाइट लेके नहीं गई थी. बट आई होप आपको मेकअप लुक पसंद आएगा. और एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हुआ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपनी किसी फ्रेंड का भी करूँगी मेकअप फॉर हर बिग डे. आज इसकी एंगेजमेंट था, ठीक है, तो ये दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो बड़ा स्पेशल फील हो रहा था. सो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं मतलब प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट करूं. सो मैंने बस मेकअप लुक एंड स्किन केयर को कवर करा है, बाकी मेकअप के बाद बिल्कुल कवर करने का टाइम नहीं मिला. एंड ये भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, बट ऐसा नहीं कि मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो बहुत जल्दी में सारा कुछ हो रहा था, ठीक है. सो मैंने पहले उसकी स्किन को क्लीन करा, ठीक है, विद अ फेस वॉश. देन मैंने अगेन क्लीन करा एक वेट वाइप की हेल्प से. देन मैंने टोनर अप्लाई करा, टोनर की जगह मैंने रोज़ वाटर अप्लाई करा, ठीक है. वो थोड़ा सा डैम्प था, मतलब हाफ ड्राई हो चुका था. देन मैंने मॉइस्चराइज़र ऐड करा. मॉइस्चराइज़र ऐड करने के बाद मैंने हाइड्रेटिंग मिस्ट अप्लाई करा था, ठीक है. उसके 15 मिनट के बाद मैंने मेकअप स्टार्ट करा. बट उससे पहले मैंने उसकी ब्लाउज़ की जो नेक लाइन है ना उसे मैंने कवर कर दिया टिश्यू से, ताकि जो भी फाउंडेशन हो या पाउडर हो वो ब्लाउज़ को बिल्कुल भी ख़राब ना करे, उसका स्टेन ना लगे ब्लाउज़ पे, ठीक है. सो प्राइमर के लिए मैंने लिया है मेरा ऑल टाइम फेवरेट शुगर का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. एंड कैन यू सी हर स्किन, सो फ्लॉलेस, मतलब कुछ भी नहीं है, बस फेशियल हेयर्स ही है. एंड मुझे लगा कि उसे निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसे चाहिए था बहुत ज़्यादा लाइट वेट मेकअप, मतलब बिल्कुल भी कोई हैवी लेयर नहीं चाहिए था प्रोडक्ट्स का. एंड डे टाइम के लिए एक सटल सा लुक चाहिए था जो सबको पसंद आए, ठीक है. और उसने मुझे ये बोला था कि सब मुझे पहचाने कि हाँ यही मीना है, ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रही थी मेकअप. तो प्राइमर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही थी. उसकी फेस में ना पोर्स भी नहीं है, ठीक है, बहुत हल्का सा है, वो दिखेगा नहीं. सो मैंने प्राइमर अच्छे से अप्लाई करा, उसे टाइम दिया. तब तक मैंने उसकी नेक को प्रिप करा, ठीक है, फ्रंट नेक को एंड बैक नेक को, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि स्पेशल डे पे होता है ना, जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो हर एंगल से लेते हैं, तो आपका हर एंगल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है. सो एंड सी इज़ फेयर, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो गोरी रुको गोरी लड़की है, ठीक है. तो मैंने क्या करा, शुगर सेटिंग स्प्रे लिया ड्यूवी वाला, उसी को मैंने नेक पे अप्लाई कर लिया, फ्रंट पे एंड बैक में. सो 5 मिनट के बाद मैंने अप्लाई करा एक क्रीम ब्लश, ये जो स्टिक ब्लश आता है ना शुगर का, उसी को अप्लाई करा. उसे चाहिए था फ्लपी चबी वाला चिक्स, ठीक है. तो पहले मैंने इसे अप्लाई करा ताकि एक विदन काइंड ऑफ ब्लशिंग लुक आए, ठीक है. सो मेरा टारगेट था उसका चिक बोन, ठीक है. तो चिक बोन पे ही मैं अप्लाई कर रही थी, पूरा चिक के नीचे तक नहीं, ठीक है. वहाँ उसे ब्लेंड करने के बाद उसे मैंने ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करा. देन मैंने लिया था नायका का ऑल डे मैट फाउंडेशन, वो फुल कवरेज काइंड ऑफ फाउंडेशन है. उसके साथ मैंने मिक्स करा था मैक का स्ट्रोब क्रीम फॉर अ ग्लोई लुक एंड अ हाइड्रेशन लुक, ठीक है, क्योंकि वो जो फाउंडेशन है वो फुल टू मैट फिनिश देता है. सो उसी के साथ मैंने स्ट्रोब क्रीम ऐड करके बहुत ही लिटिल अमाउंट का मैंने अप्लाई करा उसकी फेस पे. एंड मैं उसे ब्लेंड करती जा रही थी डैम्प स्पंज की हेल्प से, ठीक है. यहाँ पर जो स्पंज मैंने यूज़ करा है वो है पर्पल का स्पंज, बहुत फ्लपी है, इजीली ब्लेंड कर देता है एंड इवन फिनिश वो देता है, ठीक है. सो बहुत ही लाइट तरीके से मैं उसकी फेस पर अप्लाई कर रही थी ताकि
प्रोडक्ट जो है ना वो स्किन से मर्ज हो जाए, बिल्कुल भी हैवी फील ना हो, उसे भी ना हो, और देखने वालों को भी ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा लगा लिया है। और अभी आप उसकी नेक एंड फेस देख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ आप कुछ लगाते हो तो वो थोड़ा सा लाइट दिखता है नॉर्मल से, ठीक है। एंड फोरहेड पे मैं बहुत लाइट लगा रही हूँ एंड उसे इवनली मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। डैबिंग मोशन में मैं पूरा फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ एंड नेक पर भी। आई नो क्वालिटी थोड़ी सी पोर है बट फिनिशिंग आप फिर भी देख सकते हो अच्छा है, ठीक है। और पता है बहुत जल्दी में हम मेकअप कर रहे थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सो एक गलती मुझसे हो गई, वो क्या हुई वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी कि नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती होना नहीं चाहिए था, बट इतनी जल्दी में आप कर रहे हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इधर उधर की बातें आ रही है, बहुत सारे लोग आके नॉक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो छूट जाती है, वो मैनेज हो गया बाद में, बट स्टिल मुझसे एक गलती हुई थी। बट मैंने उसकी बिग डे को बिल्कुल भी स्पॉइल होने नहीं दिया, ठीक है। सो मैं प्राउड हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैंने वही फाउंडेशन को ना जिसके साथ मैंने स्ट्रोक क्रीम को ऐड करा था, मैंने उसी को लेकर उसके आईलिड पर अप्लाई कर लिया। देखो सटल मेकअप का मतलब मुझे ये पता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट, अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की तो आप अप्लाई मत करो। तो इसे कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप देख सकते हो उसकी स्किन फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद बहुत ज़्यादा इवन एंड फ्लॉलेस लग रही है। सो मैंने वही, और उसके आईलिड ज़्यादा डार्क भी नहीं है, ठीक है। सो वो फाउंडेशन से हो गया क्योंकि वो फाउंडेशन भी फुल कवरेज था ना, दैट्स व्हाई। सो आईलिड पे फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद पहले मैंने क्या करा, ब्रश के हेल्प से बहुत लाइट तरीके से आईलिड को मैंने सेट करा, थोड़े थोड़े एरियाज़ को मैंने सेट करा पहले जहाँ पर क्रीजेस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसकी स्माइल लाइन्स बहुत है, ठीक है, ये स्माइल भी ना करे ना फिर भी उसकी स्माइल लाइन दिखती है। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा बेक करा है लाइक दिस, एंड डोंट वरी, ये थोड़ा सा हेवी लग रहा है, ये बाद में एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने आईलिड पे थोड़ा सा अप्लाई करा, उसकी आईलिड पे नहीं, अंडर आई एरिया पे, और उसके अंडर आई एरिया पे लाइंस बिल्कुल नहीं है तो क्रीजिंग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो देन मैंने एक फ्लफी सा ब्रश लिया, और यहाँ पर ना मैं ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने पर्पल का मैंने कॉम्पैक्ट लिया था, और मेकअप तो बहुत जल्दी में मैंने करा, वॉइस ओवर भी मैं बहुत जल्दी में कर रही हूँ, एक ही बार में वो बोल रही हूँ। सो अगर टॉन्ग स्लिप हो रहा है प्लीज़ माफ़ कर देना, आपकी ही हूँ तो माफ़ कर देना प्लीज़। तो उसी और मैंने फाउंडेशन को ना फ्रंट नेक पे अप्लाई करके जो भी स्पंज में था थोड़ा बहुत, मैंने उसे बैक नेक पे थोड़ा सा डैप कर लिया था, ठीक है। तो फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं पर्पल कॉम्पैक्ट लेके उसे सेट कर रही हूँ, एंड बहुत टाइम देकर मैं अच्छे से उसे सेट कर रही थी, क्योंकि उसका मेकअप ना फोर टू फाइव आवर्स तक होना चाहिए था, इतना भी नहीं बट हाँ 4 आवर्स तक रखो, वहाँ तक उसकी मेकअप मतलब होनी चाहिए थी, ठीक है। सो आई थिंक लूज पाउडर, और मैं जल्दी में उसे भूल भी गई थी, सो कॉम्पैक्ट से मेरा काम हो गया, ठीक है। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर पर्पल का ये मैंने फेस पैलेट लिया है, ये मैंने उसकी प्री वेडिंग शूट में भी जब मैंने उसे मेकअप करा था तभी मैंने यही पैलेट यूज़ करा था, एंड उस वो जो शाइन आ रहा था ना उसकी फेस में, आई थिंक ये उसे अच्छे से सूट कर रहा था। सो इसी को मैंने क्या करा, ब्लश को मैंने उसकी चिक बोन में अप्लाई करा लाइक दिस, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये ब्लश, तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके उसका पिगमेंटेशन को मैं हाई कर रही थी, ठीक है। कैन यू सी दैट लुक, शिमरी वाला ब्लश लुक, एंड देन उसकी जॉ लाइन कितने ज़्यादा शार्प है। सो मुझे नहीं लगा उसे ब्रॉन्जर की भी ज़रूरत है, तो मैंने क्या करा, ब्रॉन्जर को मैंने स्किप करा उसके चिक पे एंड जॉ लाइन पे, एंड फोरहेड तो वैसे ही उसका इतना छोटा भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा ब्रश लिया, ब्रॉन्जर लेके मैंने उसके नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टूर करना स्टार्ट करा, उसका जो भी नेचुरल शेप है ना वो बहुत अच्छा है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग उसको शेप दे दिया, ठीक है। एंड गाइस क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर आप कैमरे में शूट कर रहे हो, आप फ़ोन की कैमरा मतलब
जो कैमराज होते हैं क्वालिटी डिफरेंट होती है, सो आप ऐसे जज मत कर लेना कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा ये है वो है ये। रियल में सबको मेकअप पसंद आया था, सबको, किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं करा था। अगर क्वेश्चन कोई करता तो ये मुझे ज़रूर बोल देती, क्योंकि जो भी होता है ना ये बोलती है मुझे, ठीक है, शेयर करती है, क्योंकि मैं इसकी दोस्त हूँ, तो ये फ्री में मुझे बोल सकती थी कि हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ब्लश अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा उसे शेप दिया है, ठीक है, एंड अगेन सेम चीज़ बोलूँगी, उसे फ्लपी चीक्स चाहिए था, सो मैंने उसी के हिसाब से उसे हाईली शेप नहीं करा है, ठीक है। एंड सी इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टर ऑफ आवर, वो मुझे बोल रही थी कि दीदी मुझे भी मेकअप चाहिए, बट उतना टाइम था नहीं मेरे पास और मैं खुद भी रेडी नहीं हो पा रही थी, मतलब हुई ही नहीं थी, ठीक है। तो देन मेरे आईब्रोज ड्रॉ कर रहे थे, आईब्रोज एक्चुअली मैंने ड्रॉ नहीं करा था, उसके जो आईब्रोज है ना वो मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा डीप है, सो मुझे लगा अगर मैं उसके आईब्रोज को और ज़्यादा एनहांस करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डीप लगेगा, डे टाइम है ना, सो जितना सटल होगा उतना ही अच्छा होगा। अगर ज़रूरत है आईब्रो को फिल करने की तभी करो, अगर नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। सो मैंने थोड़ा थोड़ा फिल करके जो गैप्स मुझे दिखा, ठीक है, वहाँ पे फिल करके मैंने उसे कॉम कर लिया था, सेट। मैंने शुगर का आईब्रो डिफाइनर लिया था, देन मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट लिया है, इसमें से मैंने पिंक शेड को लेकर बहुत ही लाइटली मैं ले रही हूँ, प्लेस कर रही हूँ, देन ब्लेंड कर रही हूँ, और सिर्फ आईलेट पर ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा पिगमेंटेशन हाई होने पर मैंने ब्राउन शेड लेकर उसकी एजेस को ब्लेंड करा है, आउट ऑफ वे से लेकर ट्रांजिशन तक मैंने उसकी ब्लेंड करा है लाइक दिस। एंड अगेन सेम चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, उसने बोला था उसे बहुत ज़्यादा लाइट वेट मेकअप चाहिए, बहुत ही सटल लुक चाहिए, सो मैं हैवी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही थी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया, उसे सेटिंग स्प्रे से मैंने वेट करा ताकि मैं जो शिमर अप्लाई कर रही हूँ वो अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है, एंड बिल्कुल भी फॉल आउट ना हो, क्योंकि पहले से ही हमारा बेस मेकअप कम्प्लीट है। सो मैंने लिया था ये गोल्डन का शिमर, ठीक है, उसी को लेकर पूरे आईलिड पे मैं भर रही हूँ, आउट ऑफ व्यू पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, बट हाँ थोड़ा सा ब्लेंड करा है ताकि वो पिंक शेड के साथ अच्छे से स्मर्ज हो जाए, ठीक है, वेल ब्लेंडेड लगे। ओके, यहीं पर आपको थोड़ा सा ग्लो दिख रहा होगा वो शिमर का, क्योंकि मैं मानती हूँ क्वालिटी इतना भी अच्छा नहीं है, आपको बहुत क्लियर लगे, ठीक है, बट अब प्रॉमिस करती हूँ बहुत जल्द आपको क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं दिखेगा, टिल देन ना सपोर्ट करो मुझे, ठीक है। सो देन जो मैंने बेक करा था पाउडर, मैंने उसे रिमूव करा है, एंड आप अभी देख सकते हो उसका फेस, बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेकअप करने के बाद थोड़ा सा फेस ब्राइट दिखती है नॉर्मल से, और वो नोटिस भी हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन मैंने वही शुगर का सेटिंग स्प्रे अप्लाई करा है पूरे फेस पे एंड नेक पे, देन मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट गोल्डन शेड, बीच वाला जो है आप देख रहे हो उसी को लेकर मैं उसकी हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, अगेन नॉट फॉर दैट हाई शाइन, जस्ट अ सटल शाइन ग्लो, ओके, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, ब्रा बोन पे, फोरहेड पे थोड़ा सा, क्यूपिड बो, चिन पे, ठीक है, ओके। और पता है मेरी गलती क्या करी थी, उसकी जो राइट साइड है ना उसके चिक्स पे, पता नहीं इतनी जल्दी मैं कर करके ना कभी मतलब फाउंडेशन को मैंने ड्राई होने का थोड़ा सा टाइम देना होता है, फाउंडेशन ड्राई होने के बाद आप कोई सा भी पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करोगे ना वो इजी से स्लिप हो जाता है एंड वो लॉक हो जाता है वो एरिया, बट मुझे नहीं पता इतनी जल्दी में क्या हो गया, वो दो लाइंस वहाँ आ गए, एक लाइन आ रहा था, दो लाइंस आ गए, फाउंडेशन थोड़ा सा मतलब स्लिप हो गया था, ठीक है, वो एक ही चीज़ थी जो गलती हो गई। और मैं अभी से जिनका भी मेकअप करूँगी मैं उन्हें पहले से ही बोल दूँगी मुझे टाइम दे देना, ठीक है, आप भी अगर कर रहे हो ना किसी का तो उन्होंने बोलना कि टाइम दे दो, इतनी जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता, मेकअप के लिए टाइम लगती है, हर एक स्टेप के लिए टाइम लगती है, बट इसकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे, सबको
मतलब जल्दी में था सब कुछ, वैसे ही थोड़ा सा लाइक रिंग सेरेमनी थोड़ा सा लेट में चल रहा था, तो हो जाता है कभी कभी, बट वो मैनेज हो गया बाद में, कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। एंड देन मैंने लिया है प्लम का काजल। प्लम का काजल लेकर मैंने ना उसकी अपर लास्ट लाइन के क्लोज एक लाइन ड्रॉ करके उसे स्मर्ज करा ब्राउन आई शेडो के साथ, ठीक है। देन लोअर लास्ट लाइन पे अगेन मैंने अप्लाई करा, वाटर लाइन पे नहीं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मैंने उसे पिंक शेड के साथ स्मर्ज करके फ्लफी ब्रश के साथ मैंने उसे थोड़ा सा लाइक ब्लेंड कर दिया ताकि वो बैलेंस में दिखे, ठीक है। एंड देन मस्कारा की बारी। मस्कारा लगाते टाइम अगेन लग गया राइट साइड पे, मुझे नहीं पता इसकी राइट साइड में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही थी, है ना। तो राइट साइड पे थोड़ा सा लग गया लोअर लैशेस के पास, बट वो ड्राई होने के बाद मैंने मस्कारा ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से कॉम कर लिया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो वो अच्छे से निकल गया, फाउंडेशन भी वहाँ से नहीं निकला, ठीक है। सो मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, उसकी वैसे ही ना लैशेस थोड़े से लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई करा था लैक्मे का मस्कारा जो अच्छे से वॉल्यूम भी दे रहा था और एक लेंथ भी ऐड कर रहा था, ठीक है। सो देन फॉर लिपस्टिक कॉम्बो मैंने करा था स्विस ब्यूटी का रेड लिप लाइनर, और उसी के हेल्प से मैं उसके लिप को पहले लाइन कर रही हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा इनर पे उसे लोअर लिप पे थोड़ा सा उसे अप्लाई करके इनवर्ड ब्लेंड कर रही हूँ मैं, ठीक है, लाइक दिस। एक्चुअली आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि उसे भी मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया था और सबको पसंद आया था, सो आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे नहीं, मतलब मुझे कभी आइडिया ही नहीं था मैं कभी अपनी फ्रेंड की किसी वेडिंग पार्टी में जा पाऊँगी या नहीं, बट एक तो अटेंड कर ली। तो देन मैंने लिया था नायका का ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कराते हैं। सो मैंने पिंक शेड लिया था उसके साड़ी के साथ मैच करते हुए एंड उसी को मैंने ब्रश के हेल्प से अप्लाई करा है, ठीक है। ऐसे करके मैं उसके लिप पे इनवर्ड अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो ऑड ना दिखे। सो यहाँ पर अगेन मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई करा है एकदम लास्ट स्टेप है ये। सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद मेकअप फिनिश हुआ था, थोड़ा सा मैंने ब्लेंड करा था, पुश करा था ताकि जो पाउडर प्रोडक्ट्स है वो मेल्ट हो जाए एंड उसका मेकअप एकदम शाइनी ड्यूवी वाला आए। सो दिस इज़ द लुक। मुझे वीडियो लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आई होप आपको पसंद आया, आप मुझे बता देना ये लुक आपको कैसा लगा, ठीक है। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।